दोस्तों जिस प्रोड्यूसर ने तनु वेद मनु जैसी फिल्म बनाई हो उसकी तो चांदी है, या जैसे फिल्मी लोग कहते हैं उस प्रोड्यूसर की तो निकल पड़ी। और आज वही प्रोड्यूसर शैलेश सिंह हमारे स्टूडियो में हैं। उनकी 16 इस शुक्रवार को रिलीज होने को है एंड दो हफ्तों बाद उनकी एक और फिल्म रिलीज होगी इसक। तो लेट्स वेलकम शैलेश सिंह। शैलेश जी वेलकम टू ETC बॉलीवुड बिजनेस। थैंक्स सर। तनु वेद मनु के बाद 16 आपने बनाई है। 16 बहुत ही छोटी फिल्म है। तनु वेद मनु के बड़े सक्सेस के बाद आप एक बड़ी फिल्म भी बना सकते थे। हाँ जी सर, बट ये कहानी मेरे पास 3-4 साल से थी। अच्छा। और जाहिर सी बात है तनु वेद मनु की सक्सेस के बाद मुझे भी लगा कि करना चाहिए कुछ बड़ा, बट कहानी जो है मुझे एक्साइट कर रही थी, जो मुझे एक्साइट करे मैं वही बनाता हूँ। अच्छा। सो इस फिल्म की कहानी ने मुझे बहुत ज्यादा आई वॉज इंटरेस्टेड मेकिंग दिस फिल्म, तो मैंने कहा कि नहीं मुझे यही करनी चाहिए। तो ये एक्साइटिंग क्या है, ऐसी बात क्या है कहानी में? ये कमिंग ऑफ एज टीन ड्रामा है। आई थिंक हिंदुस्तान में बहुत सारी फिल्में बनती हैं जो सो कॉल्ड टीन एज फिल्म होती हैं, बट वो रियल बहुत रियलिटी से बहुत दूर होती हैं, बहुत ज्यादा, मतलब मैं उनको फैंटेसी फिल्म ज्यादा बोलता हूँ देन रियलिटी। सो इस फिल्म की कहानी इतनी रियल है, कैरेक्टर्स इतने रियल हैं, और पूरी दुनिया जो उनकी, जैसे अब अगर तनु वेद मनु आप देखो तो एक बहुत ही रियल दुनिया थी, जिसकी वजह से फिल्म एक्साइटिंग थी। पुनर कहानी वही सिंपल थी कि लड़का लड़की मिलते हैं, प्यार होता है, सेम थी कहानी, बट जो अप्रोच था डायरेक्टर का या स्क्रिप्ट राइटर का वो बहुत नया था। सेम 16 में है कि कहानी दिल्ली में सेट है, और आज जो 16 ईयर एज है, जो जनरेशन है, वो हमारे से बहुत अलग है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब मैंने कोशिश की कि जो आज एज इट इज करने की कोशिश की है विदाउट बीइंग जजमेंटल कि वो सही है या गलत है। अच्छा, वो पेरेंट सही है या गलत है। मैंने कहा एक पूरी दुनिया बिल्ट, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको सामने लाने की विदाउट बीइंग जजमेंटल। हाँ, ये जरूर कोशिश है कि उसको फिल्म देखने के बाद ये जरूर होगा कि एक कोशिश है जहाँ पे कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच एक बेहतर कम्युनिकेशन हो सकती है। तो आपका कहने का मतलब है कि अभी जो दौर चल रहा है वहां पर कम्युनिकेशन लाइंस टूट जाती है, बहुत ज्यादा टूट गई है, क्योंकि क्या है कि अभी इतना सारा कुछ आ चुका है जिंदगी में कि मोबाइल्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, चीजें बहुत हो गई हैं। वक्त जो है उतने है, जैसे हम थे तो हमारे पास चीजें इतनी नहीं थी, वक्त ही वक्त होता था और फैमिली ज्वाइंट्स होती थी। अब न्यूक्लियर फैमिली है, तो पहले कोई ना कोई तो होता था जो देख लेता था बच्चा, अगर खुद का बाप नहीं देख रहा है तो उसका चाचा देख लेता था, बाबा देख लेते, तो कोई ना कोई होता था बोलने के लिए। बट अगर आप देखो जो पूरा न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है उसमें इंटरेक्शन खत्म हो गया है। वो बच्चा स्कूल में है, इतनी इंफॉर्मेशन है, क्या पढ़ रहा है स्कूल में, क्या कर रहा है कुछ पता नहीं है। एग्जैक्टली। तो वो सारा जो एक गैप है वो बहुत बढ़ते जा रहा है, तो जिसका वो जब हम दिल्ली में थे तो बच्चों से इंटरेक्शन के बाद पता चला कि यार ये कुछ अलग, मतलब जो हम 20-25 साल में सोचते थे वो उनको 14-15 साल की उम्र में सब कुछ पता है। इंफॉर्मेशन लेवल पे तो बहुत आगे हैं वो। तो बेसिकली आपकी फिल्म टारगेट यंगस्टर्स को करती है, टीन्स को करती है या सबके लिए बनी? सब, मैं कहूंगा सबके लिए बनी, क्योंकि ये टीन्स जो बच्चे हैं वो किसी घर से आते हैं तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट कनेक्शन है उनका फैमिली से, और ऐसा नहीं है कि वो गलत है। अब ये जो दुनिया उनके बड़ों ने बनाई है वो उसी में जी रहे हैं, तो उतने ही जिम्मेदार जितने वो हैं गलतियों के लिए उतने ही उनके उनके पेरेंट्स हैं, वो पूरे सराउंडिंग से उनकी। शैलेश जी आपने कहा कि आपने रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है सोसाइटी को, तो लोग सिनेमा हॉल में एंटरटेन होने के लिए जाते हैं, दिस इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन सोसाइटी या एंटरटेनमेंट भी है इसमें? सर ये दुनिया इतनी एक्साइटिंग और इतनी एंटरटेनिंग है कि उसमें कुछ मसाला डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा। वो अपने आप में बहुत एक्साइटिंग है। जो अलग तरह से देखने पर कभी गलत लगता है, कभी सही लगता है, कभी बहुत शॉकिंग लगता है, तो ये सारा कुछ है जो हमारे इमोशंस है, जो फिल्में बनती हैं उसमें जितना ड्रामा चाहिए वो रियल लाइफ में, आई थिंक रियल लाइफ इज मोर एक्साइटिंग एंड एंटरटेनिंग देन द फिक्शन। तो इसमें बोल्ड सीन्स भी बहुत ज्यादा डाले हैं आपने? नहीं, मैं बोलूंगा इस फिल्म को देखने जो हो सकता है प्रोमो, आइसोलेशन में हम प्रोमो देखते हैं, करेक्ट, फिल्म पता नहीं है। आइसोलेशन में क्या होता है, प्रोमोज बनते इसीलिए कि लोगों को थोड़ा क्यूरियस और एक्साइटिंग
एक्साइट करे लोगों को कि यार क्या है इसके अंदर. सो वो अप्रोच मैं बोलूंगा कि हाँ, प्रोड्यूसर्स या डिस्ट्रीब्यूटर या फिर जो भी है, उनको एक रूट लेना पड़ता है टू गेट पीपल इंटरेस्टेड यू नो इन द फिल्म. बट ये नहीं कि वो जो प्रोमो है वो उस, अगर ऐसा तो फिल्म कुछ और ही होगी. नहीं, वो एक हिस्सा है, फिल्म का ही हिस्सा है. मैं नहीं कहूंगा कुछ अलग है, वो फिल्म का ही पूरा हिस्सा है. और हाँ, ये फिल्म देखने पे जरूर थोड़ी सी बोल्ड और थोड़ी सी लगेगा अरे, बट बहुत रियल है, बहुत रियल है. सो दैट इज द थिंग. इसक पर आते हैं. इसक 2 हफ्तों बाद ही रिलीज हो रही है, तो आपने मतलब दोनों फिल्में साथ में प्रोड्यूस की या एक के बाद एक हुई है? नहीं, इसक खत्म हुई थी शूटिंग और इमीडिएट मैं 16 शूट करने गया था. अच्छा, तो 16 इज अ क्विकी इन दैट सेंस. हां, इन दैट. अच्छा, कितने दिनों में शूटिंग? 40 to 45 days. और इसक की शूटिंग कितने दिनों में हुई? आई थिंक 65 days. अच्छा, दोनों मतलब दोनों कंट्रोल्ड बजट. कंट्रोल बजट. इस फिल्म का बजट कितना है 16 का? 16 इज विदाउट PNA इज क्लोज टू 2.5 to 3 crore. एंड उसके ऊपर करीब 4-5 crore आपने प्रमोशन, कंप्लीट प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट विल कम क्लोज टू 6 crore. 6 crore. सो अप्रोक्सीमेटली 8.5-9 crore. और इसक की कॉस्टिंग? इसक विल बी आई थिंक क्लोज टू 10 crore फिल्म. 10 crore फिल्म एंड PNA प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग एंड रिलीज एक्स्ट्रा. ओके, एक और खबर थी कि तनु वेड्स मनु Part 2 बनने को है. उसको क्या हुआ? बिकॉज आपकी आपकी जो टीम है उन्होंने एक और हिट फिल्म बना दी, रांझना. उसमें आप नहीं थे? नहीं, उसमें क्योंकि मैं इसक में बहुत बिजी था उसी दौरान. और ऐसा नहीं, मैं और आनंद बैठे डिस्कशन हुआ, आनंद एल राय जो आपके डायरेक्टर हैं, तो बहुत म्यूचुअल था कि वो कहानी थी जो कि कहनी थी और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी और मैं चाहता था कि नहीं ठीक है, बनानी चाहिए. और वो उन्होंने बनाई और बहुत अच्छी बनाई और फिल्म ने बिजनेस भी बहुत अच्छा किया, कर रही है अभी. तो मतलब इट्स बेनिफिट फॉर मी ओनली, बिकॉज अब जो डायरेक्टर था वो वापस आएगा तो बहुत और सक्सेस के साथ आएगा. एग्जैक्टली. मगर तनु वेड्स मनु Part 2 बन रही है या नहीं बन रही है? हाँ जी, बनेगी, जरूर बनेगी और बहुत जल्द बनेगी. अच्छा, तो उसकी कहानी फाइनलाइज है? कहानी फाइनलाइज हो चुकी है और जो कि आई थिंक ड्यूरिंग रांझना के दौरान ही कहानी फाइनल हो चुकी थी. ओके. और लेकिन आनंद जैसा डायरेक्टर है वो एक टाइम पर बहुत ज्यादा नहीं कर सकता, वो अपने आप को पूरी तरह से उसी में डाल देता है, विच इज नाइस, विच इज वेरी गुड, वेरी गुड. 16 की वापस बात करते हैं. 16 जैसी छोटी फिल्म, मेरा ये मतलब नहीं कि बॉक्स ऑफिस पर छोटी, बॉक्स ऑफिस पर कोई छोटी फिल्म बहुत बड़ी भी साबित हो सकती है. सब हो रही है, हो रही है. एग्जैक्टली. इस साल भी काफी हुई है. तो ऐसी छोटी फिल्म बनाने में फर्स्टली फाइनेंस मिलने में दिक्कत होता है, सेकेंडली क्या डिस्ट्रीब्यूटर पाने में, डिस्ट्रीब्यूटर खोजने में एंड रिलीज करने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं? हाँ, और आपको आई? हाँ, जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं कि तनु अर्जुन बनाने के बाद बहुत कुछ बदल गया था. उतनी स्ट्रगल, उससे थोड़ी सी कम, 20% कम तनु अर्जुन बनो के टाइम जितनी थी उससे थोड़ा 20-25% कम स्ट्रगल थी, क्योंकि लोगों को भरोसा था कि नहीं, प्रोड्यूसर है, अच्छी फिल्म बनाएगा और रिलीज होगी. एग्जैक्टली. ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस लोगों को आ गया था और टचवुड वो हुआ, क्योंकि जब फिल्म बनाई और उस कॉन्फिडेंस बनाई थी कि मुझे लगता है कहानी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए. वो एक टाइम था जहां पे कि चेहरों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते थे. बट मुझे लगता है जैसे समय बदल रहा है, लोग जो है बहुत ज्यादा ओपन हो रहे हैं. मैंने कहा ये जो फिल्म है जो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक प्रॉब्लम है उस एज के लिए, बट अगर थोड़ा सा दूसरी तरह से बात करें तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन ने बहुत सारा कुछ अच्छा भी किया है. सो ये फिल्म उसी का, अगर मैं कहूँ उसकी ही देन है, मैं बना सका ये कहानी, कह सका, क्योंकि अब लोगों को भरोसा हो गया कि नहीं, अच्छी कहानी होगी तो लोग देखने आएंगे, अच्छी तरीके से बनाई जाएगी तो एक्सेप्ट भी करेंगे. सो 16 मैंने उसी उम्मीद और कॉन्फिडेंस से बनाई कि नहीं, कहानी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, बहुत नया अप्रोच है. नया इन द सेंस यहाँ के लिए होगा, क्योंकि बाकी वर्ल्ड वाइड बहुत सारी अच्छी फिल्में बहुत अच्छे तरीके से बनाई जाती हैं. हमने भी कोशिश की है विदाउट बीइंग कि नहीं, किसी कंपल्शन की वजह से कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, वही किया जितना ऑनेस्टी के साथ था. आपने कहा कि अब दूसरी किस्म की फिल्में चलती है, ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म, जरूरी नहीं है कि स्टारकास्ट होनी चाहिए कोई फिल्म में. ये बात एग्जिबिटर्स और मल्टीप्लेक्स ओनर्स नहीं समझते हैं, बिकॉज आए दिन हम सुनते हैं कि छोटी फिल्में इसलिए उस फिल्म को शोज बहुत कम मिले, सबसे घटिया शोज दिन के जो होते हैं वो उस फिल्म के हिस्से आ गए. तो क्या एग्जिबिटर समझते ही नहीं है या समझना नहीं चाहते हैं? मुझे लगता है वो क्रिएटिव प्रोसेस का वो हिस्सा नहीं है. ओके. सो शायद उनको इतनी अच्छी से बात कभी भी समझाई भी नहीं जा सकती. जब तक पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता स्टोरी टेलिंग में, अगर उनका कोई हिस्सा हाथ नहीं है तो वो चीज वो वहां से फील नहीं कर सकते. उनके लिए क्या होता है कि भाई
नंबर्स में बिलीव करते हैं, सो मैं उनको ब्लेम भी नहीं करता. अब कितना, बट मुझे लगता है नहीं, पहले से तो कहीं बेहतर हुए हैं. जहां पहले शो मिलते ही नहीं थे, रिलीज भी नहीं होती थी, अब कम से कम रिलीज तो होती है. Correct. अब धीरे धीरे शायद वो भी बदलेगा कि नहीं, पोखरे इतना बड़ा एग्जाम्पल, इतनी बड़ी हिट है, बाकी दूसरी फिल्में हैं विकेट होना. तो मुझे लगता है उनको भी है कि चलो स्लोली देते हैं, अगर वो फिल्म अच्छा करेगी दिन दे कंटिन्यू. सो एक अच्छी बात है. मुझे नहीं लगता कि मैं एक्सपेक्ट करूं, जिस तरह से मैं पैशनेटली इस फिल्म को बना रहा हूं और इतना कुछ दे रहा हूं, वो भी देंगे. नहीं, इतनी उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए उनसे. Correct. क्योंकि बेसिकली दे आर इनटू कमर्शियली बिजनेस और उनको कॉमर्स से ड्रिवन उनका बिजनेस है. उनके मल्टीप्लेक्सेस में उनको हर शो में फुटफॉल जो 100% चाहिए, जो मुझे लगता है कि इन फिल्मों में इमीडिएट नहीं आता है, वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करती हैं. तो इनको मुझे जब तनुज में रिलीज हुई थी तो उस टाइम पे वर्ल्ड कप चल रहा था. करेक्ट. सो उस वक्त भी हमें उम्मीद नहीं थी कि हमको फ्राइडे सैटरडे संडे, हम मंडे से हम उम्मीद कर रहे थे. 16 के साथ भी यही है, बहुत बड़ी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म के साथ आ रही है, भाग मिल्खा के साथ. सो डर नहीं है, बट हाँ, ये कहीं ना कहीं मुझे ये पता है कि उसके शोज कम होंगे, बट फिल्म अच्छी है. तो मंडे से मैं 100% बेहतर करूंगा सिनेमा हॉल्स में, ये मुझे यकीन है. चलिए, वेरी नाइस शैलेश जी, हियर्स विशिंग यू ऑल द बेस्ट. एंड मैं तो ये कहूंगा कि मंडे से तो बेहतर बिजनेस करेंगे, बट फ्राइडे को ही शुरुआत मिल जाए. फ्राइडे को ही शुरुआत, नेवर नो, फिंगर्स क्रॉस. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट सर. तो दोस्तों, ये थे शैलेश सिंह. इनकी फिल्म 16 इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है, और जैसा इन्होंने कहा, बहुत रियल फिल्म है, बट साथ में एंटरटेनिंग भी है, क्योंकि लाइफ इटसेल्फ इज वेरी एंटरटेनिंग. ही सेज देयर इज सो मच एंटरटेनमेंट इन लाइफ, और वही एंटरटेनमेंट, वही रियलिटी हमने सेल्यूलॉइड पर उतारने की कोशिश की है. सो दिस वन इज रियल बट इट इज एंटरटेनिंग. तो आपको क्या करना है इस वीकेंड को, ऑफकोर्स भाग मिल्खा भाग तो आप देखेंगे ही, साथ में 16 भी देखनी है. आफ्टर ऑल अ वीकेंड हैज 3 डेज एंड दीज आर ओनली 2 फिल्म्स.